अरे क्या नाम है भाई? आस्ती प्रखर। हाँ आस्ती प्रखर। प्रखर प्रखर जी किस क्लास में है? क्लास थर्ड। क्लास थर्ड में कुछ सुनाने आए हैं क्या या कुछ कहने आए हैं? हाँ सुनाएंगे। अरे सुनाओ यार। हो गया पूर्ण अज्ञातवास पांडव लौटे वन से साहस पावक में कनक सदृश तपकर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है हाँ सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है छूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं मुख से ना कभी उफ कहते हैं संकट का चरण ना कहते हैं जो आ प्रताप सब सहते हैं उद्योग नितिन सहते हैं। पूरी यादें पूरी यादें। मालूम है ये क्या सुना रहा था? वाह क्या नाम है आपका? हिमांशु यादव। हिमांशु जी क्या करते हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ। रश्म रथी दिनकर के सुना रहा था। अद्भुत है। कहाँ गए प्रभात जी? प्रणाम जी बालक लेके आए हैं। पूरी याद है तुम्हें रश्म रथी? अरे बाप रे बाप। हाँ जी कांग्रेस का एक प्रवक्ता। ना 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 देश का ये नौनिहाल है। राष्ट्रपति भी बनेगा प्रधानमंत्री बनेगा बिल्कुल अभी से तुम हो ठीक है। और तुम आते रहना शो में कभी कभी आना ज्यादा नहीं ठीक है। पढ़ाई पे मन लगाना और रश्मि समझ के भी पढ़ना है एक बार। अभी तो तुमने रट ली है बहुत अच्छा वेरी गुड थैंक यू जी। आप रिप्लाई करना चाहते? देखिए इन्हीं इसी भविष्य की मुझे चिंता हो रही है कि आने वाले समय में ये क्या बनेंगे क्योंकि जिस तरीके से धर्म की राजनीति धर्म का चश्मा जो युवाओं को पहनाया जा रहा है भारत युवाओं का राष्ट्र है और राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे युवाओं की जरूरत है। और आज आप एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखेंगे सबसे ज्यादा सुसाइडल रेट युवाओं का दो दो घंटे के अंदर हो रहा है। हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं वहां बगल में मुखर्जी नगर में ही कोई युवा जो है सुसाइड कर रहा होगा। ये इस देश के लिए विडंबना है कि हम एक ऐसे भारत देश में रह रहे हैं जहाँ युवा जो है वो पूरी तरीके से धर्म के चश्मे में दो युवा खड़े हैं बड़े ध्यान से देख रहा था मैं बहुत देर से खड़े। क्या नाम है आपका? क्या हुआ भैया? क्या नाम है आपका? अमन अग्रवाल। अमन अग्रवाल। और आपका? तेजस यादव। तेजस यादव। तेजस जी क्या कर रहे हैं आप? मैं एमबीए कर रहा हूँ। एमबीए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली से? नहीं मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप क्या कर रहे हैं? मैं यूपीएससी कर रहा हूँ। यूपीएससी वाले बहुत आए हैं भाई आज। अरे बाप रे बाप ओह ग्रेट बहुत अच्छा लगा मुझे। आप भी तैयारी करेंगे कुछ? बहुत अच्छा बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। अग्रवाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? वेरी क्विक। मैंने आज बीजेपी को रोक दिया बिल्कुल कम बोले हैं आज बहुत कम माफी चाहता हूं मैं दे दूंगा जी। सर हम यहाँ बीजेपी कांग्रेस पे नहीं बोलेंगे पर जैसे मैम ने बोला कि बोला भी नहीं चाहिए यूपीएससी वाले की यूपीएससी की जो तैयारी करे उसकी दृष्टि कहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल टाइम क्लिप होना चाहिए और दृष्टि बिल्कुल वही होनी चाहिए जहाँ पे है जी। पर मैम ने जो पॉइंट अभी उठाया कि यूथ जो है बहुत सुसाइड रेट बढ़ गया है यूथ का तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेंटल प्रेशर पहले भी था आज भी है लेकिन आजकल कुछ ज्यादा है। सर उसका रीजन है कि यूपीएससी का जो पैटर्न लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट किया है पहले इसके बारे में लोग अवेयर नहीं थे। अब लोगों को जो पैटर्न फॉलो करने लगे तो हर दूसरा आदमी ये सोचता है कि मैं यूपीएससी करूं। मैंने इंजीनियरिंग की है सर पर भी मैंने ये सोचा कि मैं यूपीएससी करूं और मेरे जो दोस्त हैं वो भी एमबीए कर चुके हैं डॉक्टर हैं वो डीएम कर चुके हैं फिर भी वो यूपीएससी कर रहे हैं। तो सर वो प्रेशर का खेल है। और सर प्रेशर जी प्रेशर पे बात हो रही है तो जो भी आप फील्ड चुन रहे हैं उसमें सब में प्रेशर है। किसी भी कोई बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है तो उसका अलग एक प्रेशर है फैमिली पियर प्रेशर। ये बताइए मुझे प्रेशर को कोप अप कैसे करें जो बच्चे खड़े हैं। मेहनती सबसे ज्यादा पहली बात तो मेहनत। अगर आप जितनी मेहनत कर रहे हैं अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको हार नहीं मानना है। तो यही अगर तो निराशा तो आ जाती है ना कभी कभी तैयारी करते करते निराशा तो आती होगी ना। हाँ जी धैर्य की जरूरत है उस समय धैर्य की जरूरत है क्योंकि सफलता कोई ओवरनाइट गेम नहीं है। कई बार आपको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो आप संकल्प लेते हैं उस संकल्प में परमात्मा भी तो आपकी परीक्षा लेगा। सर कर्म सबसे बड़ा है जी करोगे जी। देखिए क्या है कि मेरा शो हाँ आप जैसे लोगों के लिए भी मेरा शो है ऐसा नहीं है कि आप जैसे लोगों के लिए शो नहीं है लेकिन मेरा यह कहना है कि वो जो यूपीएससी की तैयारी कंपटीशन में जो लगे हुए लोग हैं उनके लिए दो चार वर्ड जब आप बोल देते हैं ना तो उनको एक थोड़ी सी ताकत मिल जाती है और उनको लगता है कि वो छोटे से शहर में बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बीजेपी का भी थोड़ा टाइम ले लिया आम आदमी पार्टी का भी ले लिया कांग्रेस का भी ले लिया।
आपको कुछ कहना है? आपको बोलना है? कुछ नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, थैंक यू। कुछ बोलना है? वांट टू कंप्लीट? कह रहा हूँ कि फेलियर तो आता रहता है सर, तो आगे मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, मैंने पहली बार में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं किया पर इस बार भी लगा हुआ हूँ। मेरे फ्रेंड्स जो लास्ट अटेम्प्ट में बैठे हैं एक बार भी क्लियर नहीं हुआ पर कर रहे हैं इस उस उम्मीद में। मैंने तो भैया वो 12वीं फेल देखी आपकी मूवी, मैं तो मुरीद हो गया। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी ओल्ड राजेंद्र नगर आए तो आपको मेरे जैसे हजारों लोग मिलेंगे जो रोज मेहनत कर रहे हैं और वो रोज फेलियर देख रहे हैं, कुछ सक्सेस भी देख रहे हैं। मेहनत से हारना क्यों सर? मैं बिल्कुल, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यहाँ पे शो करता हूँ, एक दिन ओल्ड राजेंद्र नगर में जहाँ पे तैयारी में जुटे हुए लोग हैं, बच्चे हैं, वहाँ जरूर जाना चाहिए और वहाँ पे शो करूँ मैं। हाँ जी, राजेंद्र नगर एक अलग दुनिया, अलग दुनिया है, पूरी दुनिया से, पूरे देश से अलग दुनिया है। वहाँ पे तमाम सारे बच्चे आते हैं तैयारी के लिए, जरूर। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, क्या नाम है साहब? मेरा नाम नीरज है जी। मैं अभी तैयारी में अभी कर रहा हूँ। जैसे हाँ। भाई ने कहा प्रेशर की बात बताया हाँ। तो प्रेशर जहाँ तक अपने लेवल तक रहे समझ में आता है, जब गवर्नमेंट प्रेशर देने लगती है। जैसे मेरा मैं SSCGL के माध्यम से 2019 में मैं सिलेक्टेड हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन होने के बावजूद भी मुझे प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव सब कुछ देने के बावजूद भी मुझे अपॉइंटमेंट देने के बाद भी मुझे ज्वाइनिंग अभी तक नहीं दी गई है, मेरा कैंसिलेशन दे दिया गया है। अब बताइए कहाँ तक? नहीं नहीं, ये भी एक तरह का है, मैं इससे बात से सहमत हूँ कि वो जो निस्तारण है और जो उसके बाद जब ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, उसके बाद ज्वाइनिंग ना आए तो मतलब बहुत सारे लोग तो कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आया, वो भी एक समस्या। जी, आम आदमी पार्टी। अभी ये विपक्ष की बात करें तो विपक्ष रहना चाहिए, ये आज देश के अंदर अगर तानाशाही का कोई पर्याय है तो करंट सरकार है। मैं क्यों कहता हूँ प्रतीक भाई? क्यों बोलते हैं? मैं बता रहा हूँ क्यों कहते हैं, कि जब देश के लोकतंत्र के मंदिर पे हमला होता है, वही विपक्ष के सांसद अगर सवाल पूछते हैं तो उनको निलंबित कर दिया जाता है। जब हमारी महिलाएं, जब हमारी बहन बेटियां खिलाड़ी अपना इंसाफ मांगती है तो उनको बाहर कर दिया जाता है, उनके नेताओं के सामने भारतीय जनता पार्टी बड़े से बड़े नेता घुटने टेक देते हैं। जब मणिपुर के अंदर विश्व में युद्ध रुकवा रहे हैं मोदी जी, लेकिन मणिपुर हमारे देश में है, वहां पे दंगा हो रहा है लेकिन उसको नहीं रुकवा पा रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, इसी भारत की कल्पना के लिए, यही देश बनाने के लिए हम लोग इंडिया पूरा लामबंद है और 2024 में इसी तय होगा। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। इंडी गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, इंडी गठबंधन का हाल ये है कि मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए। क्या कैसा है इंडी INDIA का हाल? कैसा है इंडी गठबंधन का हाल? ये है कि मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आग चुराए। इंडी को क्या हो गया? क्या हो गया है दीदी? उधर उधर दबंगई दिखा रही हैं, वो मीटिंग में नहीं आ रही हैं। अखिलेश को अखिल उत्तर प्रदेश चाहिए। बिहार में कांग्रेस घिस रही है कि पिस रही है लालू? आज आप बहुत जबरदस्त मूड में आए हैं, पता ही नहीं चल रहा है। उधर 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 मचाए हुए हैं, क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है। ये एक इंडी गठबंधन की जो स्थिति है, ये वास्तव में इसी तरह की है कि पता ही नहीं चल रहा है। केजरीवाल ने कांग्रेस के पंजे से दिल्ली और पंजाब लिया है, वो कांग्रेस को पंजा मारने नहीं दे रहे हैं, वो कांग्रेस को पंजा मारने देने को तैयार नहीं है। दूसरा बहन कह रही थी युवाओं की, युवा सिर्फ एक युवा परेशान है, वो चीर युवा परेशान है, वो चीर युवा। राहुल गांधी जी के जीवन में कुंवारी कन्या का न मिलना संजोग हो। देखिए मैंने हटा दिया माइक, बहुत अच्छा किया, क्योंकि देखिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने ही निकाली थी। मैंने वो अपना वो मेरा निर्णय है, मैं बिलो डिग्निटी बात बोलूंगा ही नहीं। कर मुझे मालूम है आपके पास, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी के जीवन में कुमारी कन्या का न मिलना संयोग हो सकता है, लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक की उनकी यात्रा का प्रयोग फेल होने के बाद उनको लग रहा है कि देश का युवा प्रेशर में। राइट राइट ठीक। जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लाखों लोग हुजूम का हुजूम राहुल गांधी जी के साथ चला था, और अब वो फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये तो बस सिर्फ चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं, विकास कार्य के नाम पे सिर्फ जुमला है। इन्होंने कहा था कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, महंगाई कम होगी, कब हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ 10 साल में अन्याय का काल क्यों कह रहे हैं? 10 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ इस देश पे अन्याय किया है। और इसी ये जो यात्रा हम निकाल रहे हैं उसमें आप देखेंगे लाखों न्याय योद्धा हमारे साथ रहेंगे। देखिए, इस देश के विकास की यात्रा की बात कर रही थी। 2014 में इस देश का बजट था 16,32,638 करोड़, आज 45 लाख करोड़ का बजट है, 3 गुना बजट बढ़ा है, 10वीं अर्थव्यवस्था आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है।